अरे भाई सुनो, ऐसे तो झेलने वाला चाहिए मजबूर उस टाइम लड़की तलाश, तो इसको रख ले। इस रिगार्ड डैडी के अंदर क्या इमोशनल होते हैं, फिर बंदे से ही आएगा। परफेक्ट खिलाड़ी होना चाहिए, हाँ गेम ओवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मटेरियल मजबूत हो, एज भी मैटर नहीं कर, मेरे साथ ना पलंग तोड़ इश्क कर सके, वो एंटर हो जाए, ये घोड़े की तरह चल रहा है। जितने लाड़ प्यार से मैंने रखा है ना इसे, ऐसा ही कोई रहने वाला, ये तो उठाने वाला चाहिए। मैं बुलाया था किसी अरुण ने। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई सुनो, ये अरुण नाम का बंदा कहाँ मिलेगा? हाँ मैं ही अरुण, बोलो। तुम रुको, उतर बाबू, घोड़ा थोड़ा रेस्ट करेगा। घोड़ा रेस्ट करेगा? अरे भाई साहब मैं ही, बोलो क्या हुआ? वो क्या कहते हैं, कॉल किया था आपकी तरफ से, कांटेक्ट करना चाहता था। बेसुक वाले? हाँ जी हाँ, मैंने कनेक्ट करा था आपको। अच्छा अच्छा, हाँ जी। यही तो दिक्कत है, ऐसी तो झेलने वाला चाहिए बंदा मुझे, जो उसको झेल सके। तो ये कौन? यही तो मेरी गर्लफ्रेंड है जरीन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ घर के पास चल के बात करते हैं। अच्छा अच्छा, थक गए भाई? हाँ बस खैर रखा है मुझे, ऐसे बंदा चाहिए जो थके ना। मैंने आपको इसलिए बुलाया था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा जी, और मैं इससे बहुत परेशान होगा, समझा समझा के नहीं समझ में आ रही इस बात को। एक्चुअली क्या ना, मेरा हो गया ट्रांसफर। अच्छा अच्छा, तो कंपनी वाले अलाउ नहीं कर रहे इसको, काम बहुत है, इस तरीके से मैं इसको नहीं रख सकता। तो मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो इसको रख ले, आपकी गर्लफ्रेंड को रख ले। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड को रख ले। तो मतलब आप साथ में ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं भैया। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मैं इसको नहीं ले सकता। तो इन्हें एतराज नहीं इस चीज से? नहीं एतराज वाली बात नहीं, मैं मजबूर उस टाइम मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं कैसे लेके जाऊंगा इसके, मैं छोड़ भी नहीं सकता। दिक्कत ये है, और फैमिली वाले मैंने बात कर दी, और शादी के लिए बोले राजी नहीं है, मना कर रहे ना इसकी फैमिली ना मेरी फैमिली वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब हम दोनों ने देखा हम लोगों का तालमेल नहीं बैठ रहा, तो हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे ऐसी लड़की तलाश है जो इसको रख ले। अच्छा जी, क्योंकि दिक्कत ये है ना गुरु, बात ये है, मैं आपको कैसे समझाऊं, इसको ना रात को नींद नहीं आती बिना हक करे, बिना हक किए, बिना अच्छा। हक करे, दिक्कत ये है, इसको चाहिए, इसने मेरे को बिगाड़ रखा है ना, इसको चाहिए गुरु जी, ये रोज मतलब मेरे साथ में सोता था, मैं इसको हक करके सोती थी, सुकून चाहिए से हर रात को, रखा है मेरे को। इसकी आदत बिगड़ी हुई है, इसको मतलब रात को चाहिए कोई ना कोई, मैं या कोई भी, इसीलिए। तो टेडी वेडी को भी हक कर सकते हैं? टेडी टेडी के अंदर क्या इमोशन होते हैं? अच्छा टेडी में इमोशंस नहीं होते हैं? और टैडी में कोई फील होता है क्या? फील तो बंदे से ही आएगा। इसको फील होना सुकून चाहिए, सुन लिया ना आपने? मैं आपको लास्ट में बता रहा था, अभी बता रहा हूँ, इसको चाहिए सुकून, जो रात को उसको सुकून दे सके, इसीलिए मैंने आपको कनेक्ट करा था। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी भाई मुझे मिले ऐसा, और कोई ऐसे लल्लू पंजू नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट खिलाड़ी होना चाहिए कि पता चले 5 मिनट में गेम ओवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ बात। दरअसल ये थी, एक बार ना ऐसे कुछ हो गया था इंसाइंस, रात के टाइम ऐसे कुछ हो गया था, तो इसने ना पूरे बर्तन भांडे मेरे सर पे मार दिए थे। वो तो मेरे बाद में कुछ 10-15 मिनट बाद अपने फॉर्म में आया था ना, तब जाके इसका बावलापन शांत हुआ था। ये ऐसी हो गई थी उस टाइम, लास्ट टाइम। तो मतलब ऐसा सॉलिड बंदा अच्छी, मुझे सॉलिड, इसका मटेरियल मजबूत हो, ऐसे बंदे की तलाश है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मतलब ये फिजिकली वो बता रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं उस वे में बात कर रहा हूँ आपसे, मतलब मेंटल हूँ। नहीं नहीं, मैं आपका बावलापन की बात बता रहा हूँ, जो आपके अंदर कुटबुटे भरी हुई है ना, जो आप कभी कभी के बीच में अपना रूप, असली रूप दिखाते हो, तो मैं उस रूप की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई नहीं, मैं उसका जुगाड़ बता दे रहा हूँ आपको, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ जनता को इस चीज का, क्यों टेंशन ले रहे हो, थोड़ी हेल्प करके जा रहा हूँ ना मैं बस। तो फिर तो इसमें मैम आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो जरीन मैम आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी बंदा किस टाइप का भी हो, नहीं चाहिए मेटेरियल मौजूद वाला बंदा, बंदा चाहे एक्स वाइज़ेड कोई भी हो, एक्स वाइज़ेड कोई भी हो, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है लड़के में? देखो वो किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, कलर मेरे को मैटर नहीं करता, मेरे को एज भी मैटर नहीं करती है, बस ये कि मेरे साथ ना पलंग तोड़ इश्क कर सके, ऐसा चाहिए। पलंग तोड़ इश्क मतलब आप फुल फील के साथ बैठे हुए हो और वो एंड टाइम पे खुश हो जाए, तो फिर ऐसे टाइम पे ना दिमाग एकदम भन्ना जाता है। ये जब से मतलब मेरे साथ चल ही रहा है, इसने एक बार गलती करी थी, मतलब एक बार ये अपनी लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो इसने मेरा असली रूप देख लिया, ठीक है, उसके बाद से ये घोड़े की तरह चल रहा है, तो इसके जैसा स्ट्रांग बंदा चाहिए मेरे को। अच्छा तो ये नहीं होंगे तो कम से ऐसा स्ट्रांग बंदा चाहिए? हाँ वही, देखो भाई जितने लाड़ प्यार से मैंने रखा है ना इसे, मैं चाहता हूँ ऐसा ही कोई लाड़ प्यार से रखने वाला, केयर करने वाला इसका, जो केयर कर सके, ऐसे लड़के मुझे तलाश है यार, ऐसा लड़का मुझे मिले। अभी तक जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, बट इसके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, बट इस चीज का मेरे को दुख है कि अब ये जा रहा है, तो इस चीज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी भी मजबूरी है, तो मजबूरी की वजह से ही जा रहा है, बाकी तो इसके जैसा केयर कर सके कोई, इसके जैसे प्यार कर सके मेरे को, तो ही आना। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, मैंने गाड़ी तुम्हें दे दी है, गाड़ी तुम चलाना,
मैं सावधी रहूंगा, मैं वहीं की गाड़ी लूंगा, बात की बात है, बात नहीं है। खैर जो भी रिस्पांस आएगा ना प्लीज बताना हमें जरूर, जैसे भी रिस्पांस आता है। ठीक है ना मेरे भाई, मैं आपको यही बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने आपको कॉन्टेक्ट करा था, आप आए, आपके थैंक यू सो मच। मतलब क्या कहें कि गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड चाहिए? हां ऐसा ही कुछ, मतलब जो इसको सुकून दे सके। जो भी रिस्पांस आए सर मेरे को प्लीज बता देना। हां अब तो खैर यही रह गई है, तो आप इसी को बताना। ठीक है तो मेरे से कनेक्ट तो हो नहीं पाएगा आपका, अब जो है यही है सर। तो आपकी ये वीडियो हम अपलोड करते हैं, ठीक है? हां कर दीजिए। ठीक है फिर हम चलते हैं। ओके ये क्या भाई, अरे ये क्या कर रहे हो भाई? ये तो उठाने वाला ऐसी आदत खराब रखी आपने? हाँ यही तो मेरा बाबू है जो इसको उठा सके इसको।